नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप देख रहे हैं पोल होल पोस्ट। जैसा कि आपको बता दें, अभी हम लोग मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हैं और यह जो देख रहे हैं जैंत और दुधी चुहा खदान जो है पूरा सटा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, यह जो खदान है ओपन माइंस है और यहाँ पर एक हादसा हुआ है। पिछले 4 दिनों से एक 15 से 16 वर्षीय लड़की जो है लापता थी। आज अचानक में कुछ लोग जो हैं यहाँ पर उसकी लाश देखें तो जिससे जो है पूरा गांव में जो है एक हड़कंप का माहौल बन गया और मोरबा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी जो है दर्ज कराई गई है। बहरहाल इस मुद्दे को भी छोड़ते हैं, ये जो अभी शव मिला है, लेकिन जो कमियाँ हैं उसको हम बताना चाहेंगे। ये ओपन माइंस है जबकि यहाँ पर गार्ड लोगों की तैनाती है, गार्ड यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, ये गार्ड लोगों को और यहाँ जो एनसीएल में जो अधिकारी हैं, जो सिक्योरिटी हैं, उनको नहीं दिखाई देता है। उनको सिर्फ 3 चीज़ दिखता है खदान से: डीजल, कोयला, कबाड़। इनको इसी से मतलब है। और कोई पब्लिक अगर यहाँ पे आता है तो उसकी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए यहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे एनसीएल हो। उनको सिर्फ एक रास्ता मालूम है कि इस रोड से कोयला निकलता है, इस रोड से डीजल निकलता है और इस रोड से जो है कबाड़ निकलता है। तो उनको आप कभी भी जाइएगा तो उन नाकों पे वो मिल जाएंगे। जैसा कि अभी बता रहे थे, पिछले 3-4 दिनों से एक लड़की है किरण खैरवार, वो गायब थी। आज अचानक में जो है उसका शव जो है यहाँ पर देखा गया है, जिससे यहाँ पे जो है पूरा माहौल जो है ग्रामीणों का जो है पूरा यहाँ पर जमघट लग गया। एक बार हम कैमरा मैन को बोलेंगे थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा उधर करें और दिखाएं लोगों कि लोग अंधेरे में भी जो है, अब हम दिखा रहे हैं आपको लाइट जलाकर, अंधेरे में भी जो है लोग वहाँ पे खड़े होकर उस जगह का माहौल देख रहे हैं, जबकि कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पर। क्या बोलना चाहेंगे राजा जी इसमें? देखिए, आपको बताएं, पहले तो उस बच्ची के बारे में बताएं कि 15 साल की बच्ची है ये किरण, और ये सोमवार के दोपहर से तकरीबन लापता है, जिसकी सूचना इन्होंने अभी मोरबा थाने में 2 दिन पूर्व ही दी है गुमशुदगी की। और हम आपको बता दें कि ये घोर लापरवाही है एनसीएल प्रबंधन की और सिक्योरिटी विभाग की। खुला माइंस पूरी इनकी चल रही है और जगह जगह पे नाम मात्र के लिए कि कहने को कि सिक्योरिटी जो है पूरा देख रही है, रैकिंग कर रही है, कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ सके और किसी प्रकार की कोई यहाँ पे जन हानि ना हो सके। लेकिन जिस तरह से ये घटना हो रही है तो ये ना कहीं ये दिखा रही है कि किस तरह से लचर व्यवस्था एनसीएल के अंदर में है और ये सारा कुछ जो चल रहा है तो ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। हम आपको बता दें कि अभी पिछले वर्ष ही इसी जगह से हमारे द्वारा लाइव करके फेसबुक पे और ये सारा कुछ दिखाया गया था कि किस तरह से पानी छोड़ दिया जाता है और लाखों लोगों को पीने का जो पानी सप्लाई होता है उसमें कोयला और तमाम तरह के केमिकल्स छोड़े जाते थे। फेसबुक में लाइव होने के बाद में जैसे दूसरे दिन ही उसको बंद तो कर दिया गया। और यहाँ के जितने भी आसपास के मढ़ौली के ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, वो इसी से नहाते थे और अपना सब कुछ करते थे। सिक्योरिटी विभाग उस दौर में भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और आज नदारद होने के वजह से इतनी बड़ी जो घटना हो गई है, 15 से 16 वर्ष की जो बच्ची है वो जाकर के नीचे गिर गई है। तो ये घोर लापरवाही है एनसीएल प्रबंधन और यहाँ की सिक्योरिटी विभाग को। जी, हम उसे एक बार कैमरा मैन को बोलेंगे, हम लोग अभी एकदम खदान के ऊपर में ही खड़े हैं प्रथम फेस पे, नीचे बोलेंगे एक बार दिखाएं, अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है नीचे हम बोलेंगे एक बार दिखाएं, ये सामने खदान है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से अगर आदमी स्लिप होता है तो सीधे जो है 4थे 3रे नंबर फेस पे जाके आदमी गिरेगा। ये स्थिति है यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही जो है एनसीएल की है, एनसीएल प्रबंधन की लापरवाही है। हम तो ये कहेंगे कि प्रोडक्शन भर देख रहे हैं, मानव जीवन नहीं देख रहा है एनसीएल जानी। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज़ और बता दें आपको, कुछ समय पहले कोयला कबाड़ों को लेकर विवाद हुआ था तो एनसीएल प्रबंधन जम के बरसे थे प्राइवेट ओवी कंपनी के ऊपर। उनका कहना था कि क्या यहाँ पे मनरेगा खुलवा दिया गया है, एनसीएल प्रबंधन को ये दिखता है अंदर में आदमी घुसा है, लेकिन ऊपर ये नहीं दिख रहा है कि सिक्योरिटी उनको जो है उनकी टाइट होनी चाहिए। आप यहीं भरना देखिए, जैन से आप निकलिएगा, निगाही खदान देखिए, निगाही खदान में इससे भी गंदी स्थिति, अगर आदमी स्लिप करेगा तो सीधे हो जाएगा खदान में गिरेगा। दुधी चुहा रोड में जाकर देखिए आप, जो पुरानी जद्दूदार रोड है वहाँ भी यही स्थिति है। आज सुबह ही हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ भी कोई सिक्योरिटी नाम, मतलब सिक्योरिटी नाम का चिड़िया कोई भी नहीं था, वही हाल जैंत खदान में है। इससे पहले भी हमने दिखाया था कि खदान के अंदर में बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के ना वहाँ कोई मना करने वाला ना बोलने वाला था, वो बच्चे दूसरे फेस में जाके कोयले के पास में जाके बैट फुटबॉल खेल रहे थे।
बच्चे तो खेल ही रहे थे, उनका कुत्ता भी खेल रहा था। हम आपको दिखाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उसमें देखिएगा उस लिंक को टच करके, कि मतलब खदान में कितनी बड़ी लापरवाही, बच्चे खदान के अंदर में खेल रहे थे। उस समय भी एनसीएल प्रबंधन जो है नहीं चेता था, लेकिन आज इस हादसे के बाद देखिए क्या होता है, वो भगवान ही मालिक है। लेकिन एनसीएल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये उनके यहाँ का रोज का काम है, चाहे एक मरे चाहे दो मरे, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन से मतलब है। वो ना सिक्योरिटी लगाएंगे ना यहाँ पर कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सुंदर। राम सुंदर जी, ये जो घटना हुई है, ये कौन था आपका? ये लड़की, लड़की थी, कितने वर्ष की थी ये? 13-14 साल का। अच्छा, ये कब से लापता है? सोमवार से। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने कब मरवा थाने में दी? कल। अच्छा, तो ये जैसे यहाँ गिरी, कैसे गिर गई, कैसे आप लोग सारा कुछ पता चला, क्या बताएंगे? आज मतलब लड़का लोग नीचे उतार के भेजे खोजने के लिए ना, तो लड़का लोग गया तो देखे कि नीचे गिरी हुई। अच्छा, तो यहाँ कैसे आ गई ये खदान के? बच्चे लोग यहाँ सब खेलते रहते हैं, खदान में सब घूमते रहते हैं, पता नहीं कैसे सड़क के गिर गए हो। घर है सामने, है कहाँ जाए। तो यहाँ पे तो पूरे जगह पे, चाहे वो निगाही हो, जैन हो, दुद्धि चुहा हो, यहाँ पे जो है तो सिक्योरिटी लगाई गई है कि कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश ना कर सके। तो ये कैसे हुआ, कैसे आप क्या कहेंगे इस संबंध में? भाई हम क्या करें, सिक्योरिटी की लापरवाही है। सिक्योरिटी थी यहाँ की नहीं थी? अब हम देखे नहीं तो कैसे बताया कि अब देखे नहीं थे उस टाइम में, सिक्योरिटी थी? अभी रहती तो मतलब नहीं हो सकती थी ये घटना। अब मान लिया आज चौथे दिन तो मिली है वो लड़के, है ना, है तो आप कमी सिक्योरिटी के मानते कि नहीं मानते? यदि रहती तो हो सकता था कि हाँ, अगर सिक्योरिटी रहता तो भाई नहीं गिरते, अगर खदान किनारे नहीं जाते तो, है ना, चूंकि रहती तो भाई भगाता वो कहीं ना कहीं, तो सिक्योरिटी नहीं रहती है ना। अभी तक कौन यहाँ पे देखने का आया है? जैसे आपने सूचना दी थी, तो इसकी सूचना थाने में भी आप फिर से दे दिए हैं कि बच्ची मिल गई है और इस अवस्था में मिली हुई है? थाने में सूचना चौकीदार को फोन किया था, हम कि फोन करिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार खैरवार। राजेंद्र, ये बताओ जो अभी तुम नीचे गए थे, क्या देखे, क्या है सारा कुछ वहाँ? सारा कुछ जो पड़ी है लड़की, पीछे यहाँ पीछे इधर चोट लगा, इधर सर ढका हुआ है अभी। अच्छा, उसका पत्थर वगैरह से? नहीं, कपड़ा जो है इसका ना, फ्रॉक सूट पहनी है, फ्रॉक सूट यहाँ से नीचे लगेगी, नहीं पहनी थी, और जो है उड़ गया तो पीछे खुला है और ये सर ढका हुआ है। ये तुमको कैसे पता चला कि वहाँ पे गिर गई है, क्या? ये जो है तो सोमवार से तकरीबन 12-1 बजे से लड़की निकली थी, हम देखे दो दिन, उस दिन से जो है 4-5 दिन से यही इधर ही घूमती रहती थी। हम लोग कई जगह पूरा गाँव पर पता लगा लिए, तो फिर हमने सोचा कि आज चले नीचे जाके देखा जाए, शायद कुछ हो। तो आज हमने मामा के लड़के, उनके भतीजे से सूरज के साथ हम लोग गए देखने, तो अभी देखे तो वही उसे बाहर भेजे की सूचना, जाओ दे आओ कि मिल गई है, जाओ, इसी से हालात है। तभी मैं निकल के वहीं से आई, ऊपर आ रहा हूँ अभी। कितने दिन से लापता? ये सोमवार से। सोमवार कै बजे? 10 बजे तकरीबन, 12-1 बजे, हम उसको 10 बजे सुबह टाइम देखे थे, 12 बजे से लगभग खोज बीज उसकी चालू है। आज मिली है जाकर? हाँ, आज मिली है जाकर। कितने बजे आज पता चला? आज वही तकरीबन 4-5 बजे। जैसा कि आपको बता दे, पिछले कई महीनों से, लगभग ये दूसरा महीना चल रहा है, यहाँ पर जो है मिढ़ौली और जद्दू दाण के जो विस्थापित हैं, मुआवजे के, अपनी मुआवजे को लेकर, मतलब उनकी मांग है कि हमारा मुआवजा दिया जाए और हम यहाँ से हटें। एनसीएल की लापरवाही से उनका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को दिया गया है, तो बाकायदे एनसीएल के द्वारा समाचार अपने द्वारा जो फेसबुक है और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर प्रसारित किया जाता है कि हमने इनको मुआवजा दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी तानाशाही वाला जो रवैया है एनसीएल का, अभी भी बरकरार है। अगर यह मुआवजा दिया गया होता तो यह विस्थापित यहाँ पे ना रहते, और जो हादसा हो रहा है ये हादसा ना होता। जो हादसा आज अभी आपको देखने को मिल रहा है एनसीएल खदान में, यहाँ की जो लड़की है जाके नीचे गिर गई है। पिछले कई दिनों से एनसीएल के विस्थापित जो हैं, ये डी बाबा के पास बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपको बता दें उसकी जो अध्यक्षता है सत्येंद्र साहू कर रहे हैं, और कई सारा उनका जो है वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के कान में जो है जू नहीं रेंगा है। फिर से बोलना चाहेंगे, अगर इनका विस्थापित किया गया है, उनको मुआवजा दे दिया गया होता, तो वो यहाँ पे न रहते और ये हादसा देखने को ना मिलता। आप पीछे देखते हो, यहाँ से ये खदान है और यहाँ से दूरी देख लीजिए, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है कि तमाम घर जो हैं यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं।
जबकि ये सेफ्टी जोन मतलब ये खदान से एक सेफ्टी जोन होता है 500 मीटर का, 500 मीटर के बाद ये घर होना चाहिए था, लेकिन 500 मीटर छोड़िए यहाँ से मतलब 150 मीटर की दूर पे भी अभी तक सेफ्टी जोन का एक जो होना चाहिए वो निर्धारित नहीं किया गया है। बहरहाल अगर NCL नहीं चेतता है तो आए दिन जो है दुर्घटना होता रहेगा। कैमरा मैन अतीश के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।